अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं बनू पुलाव। आप ये देख रहे हैं, बनू पुलाव के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो ये बोन्स वगैरह होती हैं, नली जैसे कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, नली वाला गोश्त है, ये इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और इसके लिए सबसे बेसिक जो काम होता है, सबसे पहले प्याज काटे जाते हैं, टमाटर काटे जाते हैं और प्याज को लाल किया जाता है, टमाटर उसमें जो है वो भुने जाते हैं, उसके बाद गोश्त इसके साथ भुना जाता है अच्छे से, उसके बाद इसमें पानी ऐड किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये इसकी यखनी जो है इसको अच्छी तरह पकाया जाता है। जब तक नली बाहर नहीं आ जाती इन हड्डियों में से, तब तक इस यखनी को भुना जाता है। आप ये चावल देख रहे हैं, तकरीबन 6 किलो चावल हैं जो भिगो के रखे हुए हैं। ये चावल इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद जो है ये स्टार्ट होगा। तो 6 किलो ये है और ये 12 किलो गोश्त है, और अभी इसमें मसाला जा रहा है। ये बनू मसाला है, ये बनू से स्पेशल एक बनू का मसाला है दोस्तों, जो कि ख़ास बनू से मंगवाया गया है। ये मसाला इसके अंदर जाएगा। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो ले सकते हैं ये चीज़ और बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ये मसाला। तो ये स्पेशल मसाला है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी दोबारा मसाला डाल के इसको दोबारा से जो है वो थोड़ा सा दम दिया जा रहा है, और अब इसमें चावल जा रहे हैं दोस्तों। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, चावल इसके अंदर चले गए। 6 किलो चावल हैं, 6 किलो चावल और 12 किलो गोश्त है। गोश्त जो है वो नली के साथ, हड्डियों के साथ है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे शेफ साहब हैं। शेफ साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये शेफ जो हैं ख़ास बन्नू से आए हैं स्पेशल इसी काम के लिए, और माशाल्लाह इनकी जो शर्ट बनी है वो आप देखें, पाकिस्तान का झंडा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो ये चावल इसमें ऐड हो गए, और चावल को बिल्कुल देसी तरीके से ये लोग घुमा रहे हैं, आप देख लें। सेम इसी तरीके से इसको चलाना है, और दम कितनी देर देते हैं इसको? अच्छा दोस्तों, हम लोग जो घरों में अपने चावलों को दम देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट देते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये पतीला बड़ा है और इसके अंदर जो है आधा घंटा जो है वो दम दिया जाएगा, 30 मिनट तक दम दिया जाएगा इसको। अच्छा दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने चावलों को दम दे दिया है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ये दम खुलेगा, और तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा बनू पुलाव की क्या कंडीशन है। दोस्तों बनू पुलाव का हमने पानी खुश्क किया है, जो इसके अंदर पानी था, जो यखनी थी वो हमने खुश्क की है, और अभी जो है हम दोबारा इसको ढक्कन लगा के दम देंगे ताकि अच्छे से इसको दम आए। तो दोस्तों फाइनली हमारा बनू बीफ पुलाव रेडी है, ख़ास बनू बीफ पुलाव ये रेडी है, ये आपके सामने है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का बना है। ये चावल आप देख रहे हैं, ये प्योर यखनी जो होती है इसके अंदर बनाया जाता है, इसकी यखनी अच्छे से बनाई जाती है। ये नली है, तो ये नली वाला है, ये देखें नली आपके सामने, ठीक है। तो स्पेशल आपने देखा था कि इसमें 12 किलो गोश्त डाला गया था, उसके बाद इसको यखनी के अंदर पकाया गया था, यखनी को पकाने के बाद चावल इसमें ऐड किए गए थे। तो ये इसका फाइनल स्टेज है जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है चावल, और ये स्पेशल बन्नू का है, वहाँ का बिल्कुल उधर का ही स्टाइल है। ये देखें आप, ये नलियाँ देख रहे हैं आप। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।